अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फियाज मोहसिन और आप देख रहे हैं इन्फाम टीवी। पंजाब के शहर कसूर में बाअसर अफराद ने ख्वाजा सरा को उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर 3 दिन तक इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि वाक़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। ख्वाजा सरा से ज्यादती और तशद्दुद का वाक़या 2 माह कबल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चुनिया के नवाई इलाके अलाहाबाद में बाअसर अफराद ने सुहानिया नामी ख्वाजा सरा को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर वाकये की वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजमान ख्वाजा सरा को उल्टा लटका कर इस पर तशद्दुद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सरा सुहानिया को चंद लोगों ने फंक्शन के बहाने बुलाया था और फिर मुलजमान ख्वाजा सरा से 3 रोज तक ज्यादती और तशद्दुद करते रहे। ख्वाजा सरा के मुताबिक मुलजमान 3 रोज तक इसे इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। ख्वाजा सरा की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, तहम बाअसर अफराद की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ख्वाजा सरा को बाद में मुलजमान से सुलह करनी पड़ी। मुलजमान ने सुलह के बाद तशद्दुद की वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिस पर ख्वाजा सरा ने नए मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। वाकये पर DPO कसूर ने इंक्वायरी कमेटी की तशकील दे दी।